माता जी, जय माता जी सर, जय माता जी, जय माता। और कैसे हैं? बोलिए, कहाँ बुलाए सर? वो 1804 का मैटर तो आपको पता ही है, मिस रायना का। उनको कई बार लेटर भेज दिया, रिमाइंडर भेज दिया, लेकिन कोई जवाब ही नहीं है। कमाल करते हैं, मालूम है ना, रात्रि चल रहा है हमारे, 9 दिन हम बाहर नहीं निकलते हैं। इतना छोटा मोटा मैटर तो आप संभाल लिया करिए ना। अरे सर, संभाल लेते हैं, लेकिन सोसाइटी मैनेजर के हाथों इस लेटर की कॉपी 2 बार भिजवा चुके हैं, और आज सुबह ये गार्ड के हाथों रिमाइंडर भी भिजवाया, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। इसलिए वी हैव कॉल्ड यू सर, यू नो, एक फिश पूरे पॉन्ड को गंदा कर देती है। राइट, आई लव फिश। चले उसको सोसाइटी से बाहर करते हैं। चलिए चलते हैं, अभी हम मुहूर्त निकलवाएंगे का। चलिए हेलो मैम, आपसे 2-3 मिनट बात करनी थी। मैम, आपको नोटिस भेजा गया था, आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो मैडम, बात ऐसी है, सोसाइटी ने मिलकर डिसीजन लिया है कि आपको ये मकान खाली करना ही पड़ेगा, और हमको डिसीजन के हिसाब से ही चलना होता है। अब आप ये बताइए कि आप फ्लैट कब खाली करोगे? हेलो, हेलो राहुल जी। जी, दिस इज एशाइन रायना फ्रॉम घाटकोपर। ओके, आई गॉट योर नंबर फ्रॉम जस्ट राइट एंड आई एम लुकिंग फॉर 1-bedroom सेमी फर्निश्ड फ्लैट इन मीरा रोड एरिया। तो अगर आपके पास कुछ अच्छा ऑप्शन है तो प्लीज बताइए। हाँ, और मेरा बजट मैक्सिमम 15,000 ही है। चलेगा मैडम, आप एक काम करो, मैं आपको इसी नंबर पे मैसेज कर देता हूँ, अपना ऑफिस का एड्रेस मैसेज कर देता हूँ इसी नंबर पे, आप आ जाओ। ओके, थैंक यू सो मच जी, शाम में दिखा देंगे। ओके मैडम, बाय जी। बोलिए। वो ऑप्शन के बारे में बोल रही थी, मीरा रोड एरिया में। जी जी जी, 1-bedroom सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट मिल जाएगा मैडम, बहुत ऑप्शन है हमारे पास। 50,000? बिल्कुल मैडम, थैंक यू। चलिए दिखाते हैं। ये देखिए मैम, ये बहुत बढ़िया फ्लैट है। हाँ बोल, थोड़ा जल्दी देखा। हाँ, वैसे मैम मेरे पास एक और भी है, लेकिन उसमें ये विंडो ओपन नहीं होगी। नहीं, हमें और कोई नहीं देखनी है। ओ, बस ये फ्लैट पसंद आए, फाइनेंस कीजिए। चलो बहुत बढ़िया मैडम। हाँ बोल। अच्छा, बस मैं निकल ही रहा हूँ यहाँ से, आता हूँ। बेटा, मेरे चाय लगा है। आके ले जाओ। बैठ नहीं देते। और ये मेरा नोट ना, एक बार देख के निकाल के रखना। अच्छा।
यार राहुल प्लीज, फ्लैट में दो दिन से पानी नहीं आ रहा है, कुछ करो ना। मैं देखता हूँ मैडम। प्लीज यार, वेरी अर्जेंट। ओके, हेलो। हाँ जी मैडम। मैडम मेरी बात हो गई है सोसाइटी से? जी, पानी का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। लेकिन मैडम वो सोसाइटी वाले कह रहे थे कि काफी लोगों का आना जाना है आपके घर में। हाँ? अरे यार राहुल, आपको तो पता है ना, नए नए शिफ्ट हो चुके हैं। मेरे ऑफिस के फ्रेंड्स, मेरे पर्सनल फ्रेंड्स आते रहते हैं, और रोहित के भी फ्रेंड्स आते हैं। नहीं मैडम, बात तो आपकी सही है, लेकिन अभी अभी आप शिफ्ट किए हो, इतने लोग आएंगे जाएंगे, सोसाइटी के कुछ रूल है ना। थोड़ी देर में ये बातें बंद हो जाएगी, प्लीज आप संभालो ना। नहीं वो तो मैं देख ही लूंगा, लेकिन फिर भी मैडम थोड़ा ध्यान रखो ना। जी नहीं, वैसे मैं मैनेज कर लूंगा, जैसा मेरे को होगा। थैंक यू, बाय। गुड मॉर्निंग राहुल। यार प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो ना कॉलेज में, यार एग्जाम्स है उसकी। देखो ना, स्ट्राइक की वजह से ना कैब है ना रिक्शा है, प्लीज छोड़ दो ना। मैडम कोई बात नहीं, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। थैंक यू सो मच। और देखो ना, आज कोई बहाना नहीं, मेरे घर पे आज शाम की चाय। ओके बाय, थैंक यू। चलो रोहित, कैसा रहा तुम्हारा एग्जाम? टाइम से पहुंच गए थे ना? राहुल जी आपने बताया नहीं आपको चाय कैसी लगी? चाय कहाँ की है? चाय राहुल जी, ये मैडम जी की किचन की चाय है। जी मैडम, डिनर का क्या सीन है? ये आपको नहीं लाना चाहिए था। अरे यार तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, कौन सा हम रोज रोज पीते हैं। सही है, मैं भी 10-12 दिन बाद पी रही हूँ। अच्छा मुझे एक लाइम मिलेगा क्या? हाँ। आप जैसी सुंदरता की देवी को कोई बेवकूफ ही छोड़ सकता है। मुझ पर जो बीती मुझे कहने दो, मैं हूं जैसी मुझे वैसी ही रहने दो। मैं चाहती हूं जहां मुझे बस वहां रहने दो, मैं इंसान हूं मुझे इंसान ही रहने दो। भाइयों को सब संभव मिला, मुझसे रहा बस यही गिला, कि मैं बिटिया जो हुई क्या था इसमें कसूर मेरा। उपेक्षित बचपन, पीड़ित प्रताड़ित विवाहित जीवन, बस इतना ही मांगा सदा कि एक छोटा टुकड़ा ही सही, लेकिन सर पर मेरे आसमां रहने दो। मैं इंसान हूं मुझे इंसान ही रहने दो। कहने को तो सब पूछते हैं नारी को, पर मौका मिलते ही नर नोचते हैं नारी को। ना पूजो मुझे तुम मानकर देवी, मैं दुर्गा नहीं मैं काली नहीं, मेरी जो भी है जैसी भी है बस यही दास्तां रहने दो। मैं इंसान हूं मुझे इंसान ही रहने दो। क्या सही है और गलत है क्या, इसकी सीख ना दो। क्या ये जरूरी है कि जाए डोली जहां पे, निकले बस अर्थी वहां से। तकलीफ कितनी भी हो सिर्फ सहना ही हो। सही नहीं दस्तूर ये, मुझे नहीं मंजूर ये। भूखे के लिए जरूरी सिर्फ पेट भर रोटी, फिर भले ही मिले वो किसी भी शर्त पर। भूख तन की भी है, भूख मन की भी है। इस तन मन के भूख मिटाकर मुझे चैन से रहने दो। मैं इंसान हूं मुझे इंसान। अब आप ये बताइए कि आप फ्लैट कब खाली करेंगे? मैं भी एक माँ हूं, सिर्फ टीका लगाने से
9 दिन का नवरात्र फास्ट रखने से, जय माता दी, लेडीज फर्स्ट या वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करने से हम वुमेन एम्पावर्ड नहीं हो जाते। हम औरतें भी ना इंसान हैं, हमारी भी जरूरतें हैं, लेकिन आप मत अपने फायदे के लिए हम औरतों को जबरदस्ती कभी देवी तो कभी वैश्य बना देते हैं। आखिर क्यों? देखिए आप प्लीज, हम औरतों की जिंदगी में दखल देना, हमें यूज करना, जबरदस्ती करना, स्लेव बनाना बंद कर दीजिए और हम अपने आप ही एम्पावर्ड हो जाएंगे। हमें नहीं चाहिए आपकी सिंपथी और ये झूठे डायलॉग्स कि माँ ही सब कुछ है वगैरह वगैरह। अरे मैडम जी, आप हमारी बात को गलत समझ रही हैं। थैंक्स मैम, क्या मुझे सिर्फ एक औरत बने रहने का कोई अधिकार नहीं? फिर से